मेरा नाम मटी महाराज सरकार, आप लोग कैसे होंगे। मैं ले चलता आपको हरिचंद घाट दिखाने। पानी बिगड़ गया था, पानी बढ़ा तो उससे मेरा वीडियो नहीं डाला। लास्ट कैसे जल रहा है, कहाँ जलता है और बहुत बड़ा महत्व है इसका। तो चलिए पहले दिखाता हूँ पानी गड़ने बाद कैसा व्यवस्था है वहाँ का और उनके बारे में बताऊँगा अभी आपको। देखिए बाढ़ आने के ऊपर, बाढ़ आ जाता है तो देखिए कितना भीड़ है बाबा का, सब ऊपर जाता है। गंगा माँ का खुशी है कि अभी पानी उतना नहीं बढ़े। महादेव है महाकाल, देखिए शमशान महाराज जो है पूरा डूब गए थे, अभी उनका मूर्ति बन रहा था। देखिए जब पानी भर जाता है तो घर में लाश जाता है, जो घर है बगल में ही जाता है। बहुत पुराना महत्व है यहाँ का, महत्व बहुत पुराना है हरिचंद घाट का। भीड़ देख रहे हैं इससे बाढ़ की तरफ से, थोड़ा तो पानी घटाए तो इतना ऊपर नीचे जलने लगा। सभी लोग घर पे कैसे होंगे, अच्छे से होंगे। और मेरा नाम बटू महाराज सरकार, मैं हरिचंद बारे में जो दिखाया वीडियो आपको और समझा रहा हूँ उसका वर्णन भी आपको लिख के डाल दूँगा। मैं बताऊँगा नहीं, पूरा लिख दूँगा। उनका वर्णन है कि हरिचंद महाराज एक राजा थे और राजपाट जब छीना गया उनका, तो यहीं काशी में नौकरी पाए घाट हरिचंद घाट पे। तो 5 रुपये में काम करते थे। जब उनके भी और विपत आई, उनकी बच्चा बीमार हुआ तो उनकी पत्नी बच्चा मर गया तो उनकी पत्नी यही लाश लेकर हरिचंद घाट पे आए। तो हरिचंद महाराज जी मांगे कि जब तक कुछ दोगे नहीं तब तक यहाँ कुछ जलता नहीं। तो अपना तो बोली मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो बोले कि कुछ भी दो। तो वही अपना साड़ी जैसे फाड़ने लगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग उतर गए हरिचंद महाराज जी के पास। उसका बहुत बड़ा कहानी है, जितना बता रहा हूँ गूगल में यूट्यूब में डाल के देख लीजिएगा और मैं लिख के डाल दूंगा। और कोई पूछना हो, कुछ समझना हो घाट के बारे में, कितना खर्चा लगा घाट का, मैं आपको बता दूंगा। तो मेरा वीडियो शेयर और कमेंट कर लाइक करें। हर हर महादेव।